दोस्तों, आप लोग तो गूगल अकाउंट इजीली बना लेते हैं, लेकिन उसे अच्छे से मैनेज करना बहुत कम को आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल अकाउंट को अच्छे से मैनेज कैसे करें। उससे होगा क्या कि आपको गूगल अकाउंट का जो सेटिंग्स होते हैं उसको बारे में जानकारी होगी, और दूसरा नंबर होगा क्या कि आपका गूगल अकाउंट जल्दी हैक नहीं होगा। चलिए, तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अपने गूगल अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा ऑप्शन गूगल का, इस पर करना है टैप। उसके बाद यहाँ शो हो रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, फिर इस पर करना है टैप। देखिए दोस्तों, मैं अपने प्रोफाइल पर आ गया। ये मेरा प्रोफाइल है, जो मेरा मेल है यहाँ शो करेगा। मेरा इस मेल से मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में आपको फ़ोटो ऐड का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप अगर फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो इस पर टैप करेंगे, सेट प्रोफाइल फ़ोटो पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको अगर चॉइस करना है तो गैलरी से चॉइस कर सकते हैं, या सेल्फी डाल के सेल्फी भी खींच करके अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद है नाम चेंज करने का ऑप्शन है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन है, उसके बाद जेंडर चेंज करने का ऑप्शन है, मेल चेंज करने का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि एक से अधिक मेरा मेल इसमें ऐड हो तो वहाँ भी, अगर आप चाहते हैं कि एक से अधिक मेरा ईमेल ऐड हो तो यहाँ से हो सकता है। इस पर जाएंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपका मतलब ईमेल का पासवर्ड खो गए हैं और उसे रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हैं, एक से अधिक ईमेल। उससे होगा क्या कि आपका जो रिकवर करना होगा तो उस मेल से रिकवर हो सकता है, ठीक है। चॉइस व्हाट अदर्सी, देखिए उसके बाद क्या है चॉइस व्हाट अदर्सी। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर एडुकेशन ऐड करना है, अपने कुछ अपने बारे में ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो सकता है, आपके मतलब हॉबीज़ वगैरह यहाँ से ऐड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, तो इस पर टैप करेंगे। और देखिए आपका जो जीमेल का जो पासवर्ड है यहाँ एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो दो ऑप्शन आएगा, एक कंफर्म पासवर्ड, एक न्यू पास सॉरी एक आएगा न्यू पासवर्ड, एक आएगा कंफर्म पासवर्ड। तो दोनों को फिल कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लास्ट चेंज 29 अप्रैल को मैंने चेंज किया था, मैंने रिसेंटली चेंज किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। मान लीजिए आपका अगर इंग्लिश है तो हिंदी भी कर सकते हैं, मराठी बंगाली जो करना है कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट टूल, मान लीजिए गूगल इनपुट टूल अगर आपका इंग्लिश हिंदी करने का ऑप्शन है यहाँ से हो सकता है। एक्जिबिलिटी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका स्क्रीन डार्क है चाहे वाइट है, तो यहाँ से डार्क वाइट करने का ऑप्शन है। तो मैं फिलहाल मैं अपने डार्क को रहने देता हूँ, जिससे होगा कि हमारी बैटरी को ज़्यादा सेव होगा। उसके बाद हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इतना सेटिंग है। अब चलिए सेकेंड में आते हैं, डाटा एंड प्राइवेसी में। देखिए होता क्या है, इसमें फर्स्ट में दे रहा है वेब एंड ऐप एक्टिविटी। आप कोई भी मतलब गूगल पर, कोई भी मतलब वेब पर चाहे ऐप पर कुछ भी आप सर्च करते हैं तो आपका सारा जो एक्टिविटी क्या है गूगल आपको मैनेज करता है यहाँ से। तो मैंने इसे ऑन रखा हुआ हूँ, आप अगर चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अब क्या है सेकेंड में है लोकेशन हिस्ट्री। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा सारा जो लोकेशन क्या है गूगल अपने ट्रैक करता है मुझे, कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, क्या किया हूँ, नहीं किया हूँ। तो मैंने क्या किया हूँ इसे मैं कर दूँ पाउज, आप अगर चाहें तो इसे पाउज भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद है यूट्यूब हिस्ट्री। देखिए यूट्यूब हिस्ट्री होता क्या है कि आप जो भी यूट्यूब में कोई भी कंटेंट आप देखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो आपका सारा हिस्ट्री क्या करता है गूगल आपको मॉनिटर करता है, सारा हिस्ट्री वो आपको क्या करता है सेव करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा मतलब यूट्यूब मेरा हिस्ट्री ना देख पाए तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे भी ऑन कर रखा हूँ, आप चाहे तो यहाँ से ऑफ़ करने का ऑप्शन है, ऑफ़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ऑन ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है माई एक्टिविटी। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। देखिए माई एक्टिविटी होता क्या है कि आप कुछ भी
अपने मोबाइल में जितने सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, वेब है, क्रोम है, कुछ भी मतलब आप सर्च करते हैं, आपका क्या होता है सारा हिस्ट्री आपका गूगल मॉनिटर करता है। देखिए मैंने रिसेंटली मैंने क्या क्या यूट्यूब में सर्च किया है, मैंने क्या क्या वीडियो देखा है, सारा क्या हो रहा है यहाँ पर शो हो रहा है। और सारा वो यूट्यूब सॉरी जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब में देखा है, गूगल क्या कर रहा है सारा मेरा डाटा को एक्टिविटी को क्या कर रहा है देख रहा है वो। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मेरा मेरा जो यूट्यूब का हिस्ट्री हो चाहे वेब का हिस्ट्री हो, अगर यू अगर गूगल ना देखे तो यहाँ से सॉरी यहाँ से देखिए यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर गया, जैसे मैं इस पर टैप किया डिलीट पर, यहाँ पर दे रहा है लास्ट डेज का करना चाहते हैं या ऑलवेज हमेशा करना चाहते हैं या कस्टम अरेंज करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऑलवेज का, तो मैं इस पर टैप करूँगा और देखिए ऑलवेज सारा एक्टिविटीज़ में है क्या है, मैं एड का, असिस्टेंट का, डेवलपर का, सी ठीक है सारा एक्टिविटी क्या होगा डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ना हो, इसलिए मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद है ऐड का, देखिए उसके बाद क्या है ऐड, ऐड पर्सनलाइजेशन। देखिए होता क्या है, आप कभी मतलब क्रोम में या गूगल में बहुत सारे आपको क्या होता है स्क्रीन पर ऐड आते हैं, ठीक है ऐड स्क्रीन आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन में ऐड ना आए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने ऐड को बंद कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ऑफ़ किया हुआ हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐड ना आए तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर वैसे वैसे ऐड से परेशान है वो इस सेटिंग में आकर यहाँ से ऐड को बंद कर सकते हैं, तो मैंने भी बंद किया हुआ हूँ। देखिए यहाँ सो रहा है यानी ऐड बंद है। क्या है परचेज, ठीक है देखिए परचेज ये होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई गूगल का प्रोडक्ट मैंने क्या किया उसे बाय किया, जैसे अमेजोन प्राइम चाहे मतलब यूट्यूब प्ले स्टोर का चाहे यूट्यूब प्रीमियम जो मैंने परचेज किया हो यहाँ शो करेगा। तो मैंने कोई भी परचेज नहीं किया है इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। ठीक है उसके बाद है रिजर्वेशन। देखिए ये क्या होता है, आप किसी भी मतलब होटल का, आप किसी का होटल का वगैरह कुछ मतलब रिजर्वेशन करते हैं तो यहाँ शो होता है, तो मैंने कुछ किया नहीं है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है उसके बाद है प्रोफाइल का, लोकेशन शेयरिंग का, मान लीजिए आप कहीं मतलब जाते हैं किसी फ्रेंड फैमिली को लोकेशन शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद है योर डिवाइस। देखिए योर डिवाइस होता क्या है, मान लीजिए आपका अगर एक से अगर अधिक डिवाइस अगर लॉगिन है तो यहाँ शो होगा। देखिए मेरे पास दो डिवाइस, एक पोको X2 है और दूसरा एक्सोमी रेडमी 6 है, जो फिलहाल मैंने इससे मैंने उसमें किया है ट्रांसफ़र। मेरा पहले एक्सोमी रेडमी 6 था, उसके बाद मैंने क्या किया पोको X2 में हुआ कन्वर्ट, तो अभी मेरा ये शो हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से रिमूव का भी कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी रिमूव नहीं करूँगा। ठीक है उसके बाद है कंटेंट। देखिए कंटेंट होता क्या है, जो भी मतलब गूगल में सेव करते सारे नंबर्स क्या होता है आपका यहाँ शो करता है। देखिए टोटल मेरा 160 मेरा क्या है कंटेंट्स में यहाँ पर क्या है मेरा सेव है, आपको मैं दिखा दूँ दो मिनट। देखिए सारा मेरा क्या है यहाँ पर सेव है। अगर मोबाइल खो भी जाता है ना, तो अगर मेरा मोबाइल अगर खो जाता है तो मैं अगर चाहूँ तो उसी ईमेल से मेरा सारा नंबर चले आएगा, तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आप लोग भी अगर किसी का नंबर सेव करें तो कृपया गूगल में ही सेव करें। ठीक है इसके बाद है यहाँ ब्लॉक का ऑप्शन है, मैंने किसी का ब्लॉक किया नहीं हूँ इसलिए यहाँ पर ब्लॉक शो नहीं हो रहा है। दोस्तों उसके बाद है यहाँ शो हो रहा है हु कैन सी योर डाटा, यानी कौन आपका डाटा देख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरा भी कोई अभी
ठीक है दोस्तों। उसके बाद है थर्ड पार्टी ऐप विथ अकाउंट एक्सेस, यानी कोई थर्ड पार्टी ऐप मेरा कोई अकाउंट एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मेरा यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई अगर दूसरा ऐप अगर गूगल अकाउंट को एक्सेस करता तो यहाँ शो करता, तो मेरा कोई गूगल अकाउंट को कोई दूसरा ऐप एक्सेस नहीं कर रहा तो फिलहाल में यहाँ पर नहीं है। चलिए यहाँ से भेज जाते हैं। उसके बाद है डाउनलोड योर डाटा। मान लीजिए अगर आपका मोबाइल अगर आप चेंज कर रहे हैं, आपका ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में जा रहे हैं, तो यहाँ से अपने डाटा को डाउनलोड करके वहाँ पर बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीट ए गूगल सर्विसेज। अगर मान लीजिए कुछ गूगल सर्विस का आपको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पासवर्ड डालेंगे तो जो सर्विसेज है वहाँ पर डिलीट आपका हो जाएगा। उसके बाद है डिलीट योर गूगल अकाउंट। अगर अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैनेज ए प्लान फॉर योर डिजिटल लीगेंसी। ये देखिए होता क्या है, प्लान व्हाट्स हैपेंस टू योर डाटा इफ़ यू डोंट यूज़ गूगल अकाउंट एनीवन। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी में। देखिए देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ किए हैं। ठीक है, और अगर कोई आपका दोस्त चाहे किसी अगर हैकर को अगर आपका मतलब ईमेल आईडी या पासवर्ड मालूम हो जाए तो इजीली वो आपका ईमेल हैक कर सकता है। और मान लीजिए आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है तो उससे होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई भी हैकर चाहे किसी भी दोस्त को चाहे कोई भी हो अगर आपका उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड उसे मालूम हो जाए तो लॉगिन नहीं कर सकता। उससे पहले आपके मोबाइल पर कोड आएगा, अगर आप उसे कन्फर्म करेंगे तभी लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कोड के थ्रू लॉगिन होगा, तो वो है। तो मैंने इसे ऑन किया है, अब चाहते हैं तो इसे ऑन कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेटिंग है, आपको करना ही चाहिए क्योंकि आज के जेनरेशन में हैक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और थर्ड पार्टी वगैरह बहुत ही ज़्यादा हमारे ईमेल को एक्सेस करते हैं, इसलिए आप इसे ऑन ही कर लें। उसके बाद है ए पासवर्ड, चाहते हैं तो इसे ऑन कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेटिंग है, आपको करना ही चाहिए क्योंकि आज के जेनरेशन में हैक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और थर्ड पार्टी वगैरह बहुत ही ज़्यादा हमारे ईमेल को एक्सेस करते हैं, इसलिए आप इसे ऑन ही कर लें। उसके बाद है ए पासवर्ड। आप मान लीजिए जितने सारे आपने कभी ब्राउज़र में कोई भी साइट खोले होंगे चाहे कोई मतलब ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसमें आप क्या करते हैं कि क्या है हमारा ए पासवर्ड। मान लीजिए आप कोई मतलब क्रोम में चाहे ऐप में पासवर्ड आप गूगल पर सेव करते हैं तो यहाँ पर शो होता है, तो मैंने फिलहाल में कोई सेव नहीं किया, इसे नॉन शो हो रहा है। उसके बाद गूगल अकाउंट पिन, आप जो भी मतलब गूगल अकाउंट का पिन बनाते हैं क्या करते हैं वहाँ पर शो होता है। और उसके बाद है आपका सिक्योरिटी कोड। मान लीजिए अपने ईमेल का पासवर्ड आप भूल गए हैं तो आप इस सिक्योरिटी कोड से क्या कर सकते हैं, उसे आप फाइंड कर सकते हैं। मेरा कोड है, उसके बाद है क्या है कि मेरा फिलहाल में मेरा पोको X2 मेरा इस डिवाइस में क्या है लॉगिन है। अगर मैं चाहूँ मान लीजिए मेरा अगर फ़ोन खो जाता है तो अगर मैं चाहूँ तो उसमें डाटा को परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ और अपने मोबाइल को मैं रिंगिंग कर सकता हूँ, खो सकता हूँ कि फ़िलहाल में लोकेट कर सकता हूँ कि कहाँ पर है। देखिए मेरा ये फ़ोन है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फाइंड माई डिवाइस ओपन होगा, इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए मेरा अगर फ़ोन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा, मेरा कितना परसेंट बैटरी है, सब यहाँ शो करेगा। अगर मैं यहाँ प्ले साउंड करूँ तो होगा क्या कि मेरा मतलब मोबाइल अगर कहीं भी हो क्या करेगा, रिंगिंग करने लगेगा। उसके बाद है सिक्योर डिवाइस, अगर मैं चाहूँ तो अपने डिवाइस को यहाँ से
जो हमारा जो मैसेज डाल के मैं भेज सकता हूँ, ऐड मैसेज टू फोन, मैं यहाँ से मैसेज डाल के भेज सकता हूँ, कृपया मेरा जो फ़ोन आप ले चुके हैं उसे वापस कर दे, मुझे ऐसा 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 मेरा कुछ, मैं आपको इनाम दूंगा, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऑप्शन है इराइज डिवाइस, यानी अगर मैं चाहूँ तो परमानेंटली डाटा को डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ऑल डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो फ़ोन का डाटा है उसके हाथ ना लगे, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने डाटा को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है, आप लोग इसे कभी भी, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, तो आप फटाक से किसी फ्रेंड चाहे दोस्त के मतलब फ़ोन में अपना ईमेल लॉगिन करके यहाँ से अपने फ़ोन को ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड मैनेजर का जो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके बाद चलिए उसके बाद आते हैं पीपल एंड शेयरिंग, यानी आप कौन कौन सा बैंक इसमें ऐड किए हुए हैं वो यहाँ से शो होगा। उसके बाद मैनेज एक्सपीरियंस, अपने मैनेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि आप जो भी मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं फ़ोन पे यूपीआई के थ्रू में, तो सारा आपका डाटा क्या होता है आपका यहाँ पर सेव होता है। देखिए जो जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था सारा क्या हो रहा है, आपको शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि करने का डिलीट, तो यहाँ ऑप्शन है करने का डिलीट, तो मैं करना चाहता हूँ ऑलवेज का, तो मैं इस पर जाऊँगा और उसके बाद कर सकते हैं डिलीट, तो अभी मैं करना चाहता नहीं हूँ, इसे मैं छोड़ देता हूँ। प्रीव्यू मोड पर जाकर देखते हैं और सारा ट्रांजेक्शन दिखाएगा। चलिए मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, देखिए हो गया डिलीट मेरा, ठीक है। उसके बाद है परचेज, यानी कोई भी आप गूगल का प्रोडक्ट या परचेज करते हैं वो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपका यहाँ शो होगा। और एक क्या है गूगल स्टोरेज, आप जो भी मतलब गूगल ड्राइव में जो फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं जो 15 GB फ्री मिलता है, आपने कितना यूज किया है वो यहाँ शो करेगा और यहाँ मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो वगैरह आप गूगल प्रोडक्ट जो यहाँ क्या है सब्सक्रिप्शन, आपने जो गूगल का जो प्रोडक्ट जो यूट्यूब प्राइम चाहे कोई अमेजोन प्राइम को कुछ ही मतलब परचेज करते हैं, आप यहाँ से उससे मैनेज भी कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फीचर्स था मैंने सारा फीचर्स मैंने डिटेल्स में बता दिया, अगर आप चाहें तो अपने गूगल अकाउंट को भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं कुछ सेटिंग करके।